नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पुणे में पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में देशद्रोह की धारा जोड़े जाने संबंधी बयान से पलटते हुए पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, तो राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू और हमारे मराठी हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो इनका क्या होगा, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग की सुनवाई होनी है। तो उधर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में चालू हो जाएगा। इसी बीच गणपति के बाद अब भाजपा गरबा को हथियार बनाकर लोगों को अपने पाले में ले जाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए अकेले मुंबई में 242 मंडलों में 300 स्थानों पर वो डांडिया और गरबा रास का आयोजन कर रही है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की ओर से शुक्रवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में देशद्रोह की धारा जोड़े जाने संबंधी बयान से पलटते हुए पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इससे पहले बनगार्डन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रताप मानकर ने बताया था कि प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 120B अर्थात आपराधिक साजिश, 124A अर्थात देशद्रोह की सजा, 153A और B यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जोड़ी गई है। लेकिन पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने बाद में ये स्पष्ट किया कि ये आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गैर कानूनी तरीके से जमा होने के आरोप में 60 से 70 संदिग्ध PFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक एक उपयुक्त सरकारी मंच इसकी फिर से जांच नहीं कर लेता और केंद्र एवं राज्यों को अपराध का हवाला देते हुए कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उस समय दो बार लगाया गया था जब आंदोलनकारी PFI कार्यकर्ताओं को एक पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था। पुणे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरोध मार्च में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू और हमारे मराठी हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो इनका क्या होगा, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो त्योहार के समय में अशांति होगी, इसलिए इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तत्काल समाप्त करना बेहतर है। कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों से राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है तो अपना धर्म ले लो और पाकिस्तान चले जाओ, हमारे देश में इस तरह के नाटक की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों से ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ ताकि वे पा भी नहीं बोल पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश के हिंदू से झुकने नहीं देंगे। वे क्या कर सकते हैं इसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया था कि शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक रैली में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। आतंकी फंडिंग के आरोप में PFI नेताओं पर NIA, ED और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भी इस कथित घटना की निंदा की और PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है, साथ ही असली शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कल 27 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अन्य मांगों को लेकर विभिन्न याचिकाएं दायर की गई है जिसमें शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का भी समावेश है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है, यही कारण है कि इन याचिकाओं पर अब कल संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। इसी बीच खबर है कि चुनाव आयोग के समक्ष कल शिवसेना सबूत पेश कर सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा शिवसेना को दिया गया समय भी कल खत्म हो रहा है। शिंदे ने खुद के गट को असली शिवसेना होने का दावा किया हुआ है, इसे लेकर ही चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों खेमों से जवाब मांगा है। फिर कोर्ट ने कहा कि शिवसेना पर शिंदे और उद्धव गुट में से असली होने के दावों पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए या नहीं, इसे लेकर शिवसेना पर 27 सितंबर को फैसला करेगी। इसके अलावा विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। अहम बात यह है कि याचिका में एकनाथ शिंदे गुट के अनेक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
शिंदे फडणवीस सरकार मुंबई और पुणे जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में चालू हो जाएगा। फडणवीस ने मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को संबोधित करते समय कहा कि महाराष्ट्र की औद्योगिक कल्चर जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। महाराष्ट्र को फिर से नंबर वन बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनी होगी। इस दौरान फडणवीस ने पुणे मेट्रो, ईवी परिवहन आदि जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि रिंग रोड पुणे क्षेत्र के लिए विकास का इंजन साबित होगा। सरकार ने पुणे जिले में पुरंदर हवाई अड्डे की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हवाई अड्डे के साथ ही पुरंदर में एक लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना बना रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नवी मुंबई और पुरंदर हवाई अड्डों को जोड़ने की जरूरत है, साथ ही भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का होना आवश्यक है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के लिए पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि महाराष्ट्र भारत की स्टार्टअप राजधानी है। हम सभी MIDC के लिए कनेक्टिविटी और दृष्टिकोण को आसान बनाना चाहते हैं। हमें फिनटेक क्षेत्र में अधिक निवेश लाना चाहिए। मुंबई में BMC की सत्ता शिवसेना से हथियाने के लिए BJP अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है। सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान BJP समर्थित 242 मंडलों में 300 स्थानों पर डांडिया और गरबा रास का आयोजन कर रही है। BJP गरबा रास के माध्यम से आगामी BMC चुनाव में बड़ी जीत की आस लगा रही है। हाल ही में BJP ने शिंदे फडणवीस सरकार के तहत हिंदू त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाने के बारे में एक बड़ा अभियान शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ मराठी मतदाताओं को खुश करने के लिए मुंबई में पहली बार मराठी डांडिया का भी आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मुंबई के काला चौकी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोजाना करीब 15,000 लोगों को मुफ्त पास दिया जाएगा। इस मौके पर मुंबई BJP अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि नवरात्रि के आखिरी 3 दिन डांडिया का समय रात 10 बजे की बजाय 12 बजे तक करने की हमारी मांग है। हमें उम्मीद है कि इसकी इजाजत मिल जाएगी। मुंबई BJP की ओर से करीब 17 जगहों पर डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं शिवसेना की तरफ से मुंबई में डांडिया के किसी आयोजन का ऐलान नहीं किया गया है। साल 2017 में मुंबई BJP अध्यक्ष रहते हुए आशीष शेलार ने BMC में BJP नगर सेवकों की संख्या 82 तक पहुंचा दी थी, जो शिवसेना से महज 2 सीट कम थी। इस बार भी आगामी BMC चुनाव BJP आशीष शेलार की अध्यक्षता में लड़ने वाली है। डांडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का ये पूरा प्लान आशीष शेलार का ही माना जा रहा है। शारदीय नवरात्र में भक्त घरों में कलश स्थापना और 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, जो किस तेजी से बढ़ रहा है इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छिपे होते हैं। तो राजस्थान में गहलोत कैंप के विधायकों ने हाईकमान के सामने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में जो भी होगा वो खुद अशोक ही तय करेंगे। वहीं गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। तो उधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता के लिए जारी प्रयास अभी तक रंग नहीं दिख पाया है। हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा आयोजित रैली में कई अहम पार्टियां नदारद रही। इसी बीच असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में रात में जीप सवारी करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा शर्मा और सद्गुरु सवालों के घेरे में है। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस में शिकायत की गई है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नवरात्रि साल में 2 बार बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्र में पहले दिन कलश स्थापना और उसके साथ जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धरती पर पहली फसल जौ की बोई गई थी। शारदीय नवरात्र में भक्त घरों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। बिना इसके माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो किस तेजी से बढ़ रहा है इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छिपे होते हैं। नवरात्र के पहले दिन जौ बोने के कुछ दिनों बाद अगर वो तेजी से उगने लगे और उसका रंग पीला और हरा हो तो इसे बेहद शुभ संकेत मानते हैं, जिसका अर्थ है कि घर से जल्द ही सभी तरह की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तेजी से जौ बढ़ने का मतलब है घर की सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि होगी। इसका एक और अर्थ है कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना हुआ है। यदि नवरात्रि में बोई गई जौ सूख कर झरने लगती है या ठीक से बढ़ नहीं रही तो इसे बेहद अशुभ संकेत माना जाता है।
इसका अर्थ है कि आपके जीवन में नई परेशानियां आने वाली है और आपको जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे मन से माता की आराधना करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न हो और आने वाली हर परेशानियों से आपकी रक्षा करे और उन्हें जल्द दूर करे। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में मची हलचल का परिणाम क्या होगा? सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी या किसकी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। गहलोत कैंप के विधायकों ने हाईकमान के सामने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में जो भी होगा वो खुद अशोक ही तय करेंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत गुट के विधायकों ने शांति धारीवाल के घर पर बैठक की और फिर यहां से स्पीकर सीपी जोशी के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी बीच धारीवाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो उनके घर पर हुई बैठक का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में धारीवाल गहलोत को हटाए जाने के आलाकमान के फैसले पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि पंजाब खो चुके हैं और अब राजस्थान भी चला जाएगा। धारीवाल कहते हैं कि हाईकमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये बता दे कि कौन से दो पद है आज अशोक गहलोत के पास जो आप इनका इस्तीफा मांग रहे हो। कुछ मिलाकर एक पद है जो है मुख्यमंत्री का, जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आप इस्तीफा मांग रहे हो? ये सारा षड्यंत्र है जो इसकी वजह से पंजाब खोया और राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो हम सब लोग संभल जाएं तो बचेगा नहीं, तो राजस्थान भी हाथ से जाएगा। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में ऐसे समय पर टकराव चल रहा है जब अगले ही साल यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द वो नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। बता दें कि रविवार को ही गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे हैं। वो 27 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, इसके बाद वो दिल्ली जाने वाले हैं। गुलाम नबी ने कहा था कि उनकी पार्टी में धर्मनिरपेक्ष लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जनता से पार्टी के नाम को लेकर सुझाव भी मांगे थे। श्रीनगर दौरे के समय भी उन्होंने समर्थकों के साथ पार्टी के नाम को लेकर मंथन किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई पार्टी की घोषणा कर दी। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि झंडे का पीला रंग रचनात्मक एकता और विविधता को दर्शाता है, सफेद रंग शांति और नीला रंग स्वतंत्रता, खुले विचार, कल्पना और सागर की गहराई से आकाश की ऊंचाई तक को दर्शाता है। आजाद ने कहा कि लोगों ने उर्दू, संस्कृत और हिंदी में नाम सुझाए थे, हालांकि हम ऐसा नाम चाहते थे जिसमें डेमोक्रेटिक, शांति और स्वतंत्र तीनों बातें हो। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा था और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद G23 नेताओं में शामिल थे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशें जारी है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता के लिए जारी प्रयास अभी तक रंग नहीं दिख पाया है। इसी कड़ी में गत रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोक दल ने रैली आयोजित की। इसमें कई विपक्षी दल एक मंच पर नजर आए, लेकिन कुछ अहम पार्टियां नदारद भी रही। लंबे समय तक कांग्रेस विरोधी होने का इतिहास रखने वाले नेता इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला और शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, एनसीपी के शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सीताराम येचुरी व शिवसेना के अरविंद सावंत जैसे अन्य सीनियर नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी मंच पर थे। इस रैली को गैर भाजपा दलों के बीच एकजुटता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि कांग्रेस की ओर से किसी ने रैली में शिरकत नहीं की। अहम विपक्षी दलों में आने वाले डीएमके, टीआरएस और टीएमसी इस रैली में शामिल नहीं हुए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएएस जगन मोहन रेड्डी को निमंत्रण दिया था या नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मैसेज भेजकर रैली में शामिल न हो पाने की मजबूरी बताई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में रात में जीप सवारी करने को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और सदगुरु सवालों में घेरे में हैं।
इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस में शिकायत की गई है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गोलाघाट जिले के बोकाखाट थाने में राष्ट्रीय उद्यान के किनारे स्थित गांवों के निवासियों ने अंधेरे में जीप सफारी करने पर शिकायत दर्ज करवाई। असम के सीएम हिमंत ने इस शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि लोग रात में नहीं जा सकते, पार्क में रात के 2 बजे भी एंट्री की जा सकती है अगर वन्य जीव वार्डन इसकी इजाजत देता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है, चूंकि केएनपी वन विभाग के अंतर्गत आता है इसीलिए हमने उद्यान के संभागीय वन अधिकारी से आरोप की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। लोगों को आरोप लगाने का अधिकार है और इसी आधार पर जांच की जाएगी। शाम के बाद जीप सफारी के आरोप का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम इसे कानून का उल्लंघन कह सकते हैं। नेशनल पार्क के पास मोरोगियाल और बलीजन गांवों के निवासी सोनेश्वर नारा और प्रवीण पेगू ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाम के बाद हेडलाइट्स के साथ जीप सफारी करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है। उन्होंने सदगुरु जगदीश जग्गी वासुदेव शर्मा, राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ और अन्य की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है जो जीप सफारी का हिस्सा थे। पाकिस्तान की सेना के 2 मेजर रैंक के अफसरों समेत 6 सैन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। आज सुबह बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में ये घटना हुई। तो दावा किया जा रहा है कि नास्त्रे दमस ने अपनी गुप्त कविताओं में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के सटीक वर्ष की भविष्यवाणी की थी। वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेटा ने महिलाओं से एक अजीब अपील की है। उसने कहा है कि ऐसे पुरुषों के साथ महिलाओं को बिस्तर से दूरी बनानी चाहिए जो मीट खाते हैं। तो उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण को लेकर उनके देश में बवाल छिड़ा हुआ है। इस बीच 8 साल तक जापान का नेतृत्व करने वाले आबे के अंतिम संस्कार पर हो रहे बेतहाशा खर्च को लेकर बड़ी संख्या में लोग आक्रोश जता रहे हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान की सेना के 2 मेजर रैंक के अफसरों समेत 6 सैन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। आज सुबह बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में ये घटना हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया कि हादसे में मरने वाले सैनिकों में 2 पायलट भी है। दरअसल बलूचिस्तान में बीते 2 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश की दूसरी घटना हुई है। इससे पहले अगस्त में ऐसी घटना हुई थी, तब हेलीकॉप्टर क्रैश की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन ने ली थी। ऐसे में इस घटना को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि विमान पर क्या विद्रोहियों ने टारगेट किया था। फिलहाल पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जांच करने की बात जरूर सामने आई है। इससे पहले 1 अगस्त को बलूचिस्तान में ही विद्रोहियों के इलाके में पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस घटना में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। बलूचिस्तान के लाजबेला जिले में ये चॉपर क्रैश हुआ था। शुरुआती दौर में इसे हादसा ही माना जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन बलूच विद्रोहियों ने दावा किया था कि विमान को उन्होंने मार गिराया था। ऐसे में इस घटना को लेकर भी हमले के ही कयास लगाए जा रहे हैं। पाक सेना का कहना है कि इंजीनियर्स की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि वास्तव में विमान के साथ क्या हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद एक बार फिर से फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रे दमस चर्चा में आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नास्त्रे दमस ने अपनी गुप्त कविताओं में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के सटीक वर्ष की भविष्यवाणी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महारानी के निधन के बाद 17 सितंबर से सप्ताह के भीतर ही इसकी 8000 प्रतियां बिकी है। एलिजाबेथ के निधन से पहले इस किताब की हफ्ते में 5 प्रतियां बिकी थी। 2006 में यह किताब प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में एक यात्रा की व्याख्या है जिसमें लिखा है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु लगभग 2296 वर्ष उम्र में होगी। इसके अलावा किताब में ऐसे संकेत है कि नास्त्रे दमस ने यूक्रेन में युद्ध की भविष्यवाणी भी की थी। इसमें अस्पष्ट संकेत है कि फ्रांस को इस युद्ध से खतरा हो सकता है। इस किताब में ब्रिटेन के नए बने राजा किंग चार्ल्स का भी जिक्र है। किताब में ये दर्ज है कि शासक की मृत्यु के बाद एक नया राजा गद्दी पर बैठेगा जिसने तलाक को अस्वीकार कर दिया हुआ है। ये भी भविष्यवाणी है कि किंग चार्ल्स अपनी जिम्मेदारियों का खुद ही जल्दी त्याग कर देंगे और प्रिंस हैरी राजा बनेंगे। इस किताब के इतनी अधिक प्रतियों के बिकने का कारण सोशल मीडिया से बढ़ रही पब्लिसिटी को माना जा रहा है जो कि महारानी के निधन के बाद मिली है। बता दें कि नास्त्रे दमस अपनी भविष्यवाणियों को कविताओं की तरह कहते हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब लेस प्रोफेसीज में 942 काव्य है जो कथित तौर पर भविष्यवाणियां हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेटा ने महिलाओं से एक अजीब अपील की है। उसने कहा है कि ऐसे पुरुषों के साथ महिलाओं को बिस्तर से दूरी बनानी चाहिए जो मीट खाते हैं। पहले कई वर्षों से लोगों को शाकाहार के प्रति प्रेरित कर रहे एनजीओ ने अब अनोखा तरीका चुना है। संस्था के प्रमुख सदस्यों का मानना है कि इससे तेजी से जागरूकता आएगी और लोग जानवरों को अपना आहार बनाना यानी मीट खाना बंद करेंगे। इसके लिए अब महिलाओं को सहारा लिया जा रहा है। महिलाओं से ये अपील की जा रही है कि वो जिस भी पुरुष के संपर्क में हो उसका बिस्तर पर तब तक वेलकम ना करे जब तक वो मीट खाना छोड़ ना दे। संगठन का कहना है कि अगर महिलाएं ऐसा कर पाती हैं तो निश्चित ही पुरुष मीट छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ताज़ा रिसर्च में दावा किया है कि मांस खाने वाले लोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। महिला की तुलना में पुरुष वातावरण को 41% ज्यादा प्रदूषित करते हैं। पेटा ने इसी कारण से कहा कि बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ऐसा करके प्रति बच्चा 58 टन कार्बन उत्सर्जन बचा सकते हैं। पेटा यानी पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक एनिमल राइट संगठन है जो वर्जीनिया में स्थित है। दुनिया भर में स्थित पेटा संस्थाओं के करीब 90 लाख से अधिक सदस्य हैं। इस संस्था का उद्देश्य जानवरों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाना है। पेटा के सदस्य लोगों को बताते हैं कि जानवर किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण को लेकर उनके देश में बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री का भाषण पूर्व पीएम इमरान खान के भाषण का कॉपी पेस्ट संस्करण था। पीएम शहबाज शरीफ पर भाषण चुराने का इल्जाम पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में खुद का भाषण तक नहीं दे पाए। शरीफ ने अपने भाषण में उन मुद्दों को शामिल किया जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही उजागर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने इमरान खान के पहले के भाषण को कॉपी पेस्ट किया हो। कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया के मुद्दों को उसी तरह से संबोधित किया जैसे पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान किया था। हालांकि कुरैशी ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाने के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के पीछे विकसित देशों के हाथ होने का संकेत देकर अच्छा काम किया। साथ ही कुरैशी ने सवाल भी उठाया कि शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए हैं। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के दोनों दलों को उन्होंने बाढ़ संकट का जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने इमरान खान के 1 करोड़ पेड़ लगाने की परियोजना की खूब सराहना की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार 27 सितंबर को होने जा रहा है। टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में मंगलवार दोपहर 2 बजे से अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें 217 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 8 साल तक जापान का नेतृत्व करने वाले आबे के अंतिम संस्कार पर अब जनता नाराजगी जता रही है। इस राजकीय अंतिम संस्कार में हो रहे बेतहाशा खर्च को लेकर जापान में बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ है और सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अधिक खर्च की वजह से कई लोग राजकीय अंतिम संस्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन पर लगभग 1.7 बिलियन येन यानी भारतीय रुपए में लगभग 97 करोड़ रुपए खर्च करेगी जो कथित तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार पर हुए खर्च से भी अधिक है। शिंजो आबे को यूनिफिकेशन चर्च से जुड़ा हुआ माना जाता है। हत्यारे ने कहा था कि आबे इसी ग्रुप को प्रमोट करते हैं। ये चर्च कम्युनिज्म का विरोध करता है। ये चर्च विवादों में भी काफी रहा है जिसकी वजह से जापान के नागरिक अक्सर इसका विरोध करते रहे हैं। यूनिफिकेशन चर्च के आलोचकों का मानना है कि ये चर्च बड़े स्तर पर शादियां करता है और आक्रामक तरीके से फंड जुटाता है। शिंजो आबे के हत्यारे ने कहा कि इस चर्च को उसकी मां ने करीब 5 करोड़ का चंदा दिया था जिसकी वजह से उसका परिवार गरीब हो गया। तो बीकेबी न्यूज़ के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।